आरएसआई को लेकर के लोगों का मानना है कि अगर आरएसआई 70 के ऊपर चले जाए तो वो ओवरबॉट कंडीशन में है और उस स्टॉक को बेच देना चाहिए, और अगर 30 के नीचे आ जाए तो वो स्टॉक ओवरसोल्ड कंडीशन में है और स्टॉक को खरीद लेना चाहिए। और दूसरा ये भी मानना है कि अगर आरएसआई में डाइवर्जेंसेस बने, पॉजिटिव डाइवर्जेंस बने तो खरीद लो और नेगेटिव डाइवर्जेंस बने तो बेच दो। तो क्या ये दोनों परसेप्शन सही हैं? मेरा इन दोनों ही सवालों में जवाब होगा नहीं। इस वीडियो में मैं बात करूंगा दो ऐसी पावरफुल स्ट्रेटजीज के बारे में जो आरएसआई को ट्रेड करने में बहुत ही कारगर साबित होंगी। आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा, और अगर पसंद आता है तो हमारे चैनल से जरूर जुड़े और इस वीडियो को लाइक करें। आरएसआई का मतलब होता है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। इसकी वैल्यू 0 और 100 के बीच में होती है। जितना तेज गति से मार्केट ऊपर जाता है तो आरएसआई भी ऊपर जाता है, और जितना तेज गति से मार्केट नीचे गिरता है तो आरएसआई भी नीचे आता है। लेकिन अगर ट्रेडिशनल मेथड्स को यूज करके आरएसआई का इस्तेमाल करते हैं तो उसमें बहुत सारे एरर्स आते हैं, जैसे कि मार्केट अगर फ्लैट हो तो वैसे टाइम पे आरएसआई बहुत बार ओवरबॉट और ओवरसोल्ड के फॉल्स सिग्नल्स देता है, और अगर आरएसआई को अगर आप लोअर टाइम फ्रेम पर इस्तेमाल कर रहे हैं तो वहां पर भी आरएसआई बहुत ही फ्रीक्वेंटली रॉन्ग सिग्नल्स देता है। तो आइए उन स्ट्रेटजीज के बारे में समझते हैं। डाइवर्जेंस का मतलब होता है कि प्राइस अगर एक डायरेक्शन में जा रहा है तो आरएसआई उसकी अपोजिट डायरेक्शन में जाता है, जैसा कि इस फोटो में भी दिखाई दे रहा है आपको। ये एक आरएसआई डाइवर्जेंस है, लेकिन बहुत बार ये होता है कि आरएसआई डाइवर्जेंस होने के बावजूद प्राइस ब्रेकआउट नहीं देता, अपनी डायरेक्शन नहीं चेंज करता है और उसी डायरेक्शन में मूव करता रहता है, जिसकी वजह से बहुत से लोगों को लॉस झेलना पड़ता है। तो इस प्रॉब्लम से बचने के लिए मैं हमेशा अपने प्राइस पे ट्रेंड लाइंस ड्रॉ करता हूँ जब भी मुझे आरएसआई डाइवर्जेंस दिखाई देता है तो, और डाइवर्जेंस देने के बाद में जब ब्रेकआउट आता है तो उसके बाद में मैं अपनी पोजीशन सेंटर करता हूँ। इसकी वजह से मुझे दूसरे ट्रेडर से एक अच्छी एज मिल जाती है, जैसा कि आप इन उदाहरणों में भी देख सकते हैं। दूसरी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है 70-30 मेथड, या फिर ओवरबॉट ओवरसोल्ड स्ट्रेटजी। जब RSI की वैल्यू 70 के ऊपर चले जाती है तो वो ओवरबॉट कहलाता है, और जब 30 के नीचे चले जाती है तो वो ओवरसोल्ड पोजीशन कहलाती है। लेकिन मैंने पहले भी बहुत सारे एग्जांपल्स आपको दिखाए थे कि ओवरबॉट और ओवरसोल्ड होने के बावजूद भी प्राइस उसी डायरेक्शन में मूव करता रहता है, जैसे कि अगर प्राइस 70 के ऊपर होता है तो भी वो ऊपर ही चले जाता है, लेकिन लोग ये समझ करके उसे बेच देते हैं कि वो ओवरबॉट हो गया है। और वहीं इसकी अपोजिट डायरेक्शन में भी होता है कि अगर 30 के नीचे प्राइस होता है तो लोग समझते हैं कि वो ओवरसोल्ड हो गया है और उसे खरीद लेते हैं, लेकिन फिर भी प्राइस नीचे ही मूव करता रह जाता है और वो ट्रैप में आ जाते हैं। तो ये समझ लेना कि 70 के ऊपर है वो ओवरबॉट हो गया और मैं उसे बेच देता हूँ, ये गलत परसेप्शन है, और अगर 30 के नीचे है तो वो ओवरसोल्ड हो गया और मैं उसे खरीद लेता हूँ तो ये भी गलत परसेप्शन है। इसमें बहुत से लोग बहुत बार फंस जाते हैं, ट्रैप में आ जाते हैं, क्योंकि ओवरबॉट और ओवरसोल्ड का मतलब ये नहीं है कि प्राइस इमीडिएटली मूव कर देगा उस डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में प्राइस मूव करता है, लेकिन कई बार ऐसा होता था कि महीने महीने भी प्राइस एक ही रेंज में मूव करता रहता है, और हम ये समझते हैं कि अभी ओवरसोल्ड हो गया है और मैं खरीद लेता हूँ, प्राइस ऊपर मूव करेगा, लेकिन वो फंस जाते हैं, एक लंबे टाइम के लिए फंस जाते हैं। क्योंकि जब ट्रेंड बहुत स्ट्रांग होता है वैसे टाइम पे हम ये समझते हैं कि अभी ओवरसोल्ड हो गया और मैं खरीद लूंगा तो ऊपर आएगा, लेकिन वो ट्रेंड बहुत स्ट्रांग है उसकी वजह से वो ट्रेंड कंटिन्यू करता रहता है ओवरसोल्ड होने के बावजूद भी, या फिर ओवरबॉट होने के बावजूद भी वो ट्रेंड ऊपर ही जाता जाता है, जैसा कि आप इस एग्जांपल में भी देख पा रहे हैं। तो सही तरीका क्या होना चाहिए फिर ओवरबॉट और ओवरसोल्ड को ट्रेड करने का? ये 70 और 30 के RSI के लेवल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर 70 के ऊपर लेवल जाता है RSI का तो ये स्ट्रॉन्ग सिग्नल है कि प्राइस अपने एक्सट्रीम पर पहुंचा हुआ है। लेकिन उसको ब्लाइंडली ट्रेड करने से अच्छा है मैं उसके साथ में एक दूसरा पावरफुल टूल इस्तेमाल करता हूं, जो कि मैं देखता हूं कि प्राइस सपोर्ट या रेजिस्टेंस के पास में पहुंचा हुआ है कि नहीं पहुंचा हुआ है। अगर मान लीजिए अगर RSI ओवरबॉट हो जाती है, 70 के ऊपर चले जाती है, तो मैं ये देखता हूं कि प्राइस रेजिस्टेंस के नीचे है या कि नहीं है, रेजिस्टेंस को किस तरह से ट्रीट कर रहा है स्टॉक के रेजिस्टेंस को। अगर प्राइस 70 के ऊपर है और स्टॉक रेजिस्टेंस के पास से जा करके नीचे आना शुरू होता है तो मैं कंफर्म मान लेता हूँ उसको कि हाँ, स्टॉक ने रेजिस्टेंस से रिजेक्शन दिया है और वो नीचे आएगा। और वहीं अगर RSI 30 के नीचे है
यानी कि ओवरसोल्ड पोजीशन है, तो मैं ये देखता हूँ कि स्टॉक सपोर्ट के पास में ट्रेड कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर सपोर्ट के पास में अप्रोच कर रहा है और सपोर्ट से प्राइस ऊपर मुंड होने की शुरुआत करता है, तो इसका मतलब ये है कि हाँ, प्राइस इस ओवरसोल्ड पोजीशन पे, RSI की ओवरसोल्ड लेवल्स पे रिएक्ट कर रहा है और ऊपर जाएगा। तो इससे मुझे एक स्ट्रॉन्ग हेड ऑन मिल जाता है, एक एज मिल जाती है दूसरे ट्रेडर्स के मुकाबले पे। जैसे कि आप इस चार्ट में भी देख पा रहे हैं, RSI ओवरसोल्ड था और साथ में प्राइस अपना सपोर्ट के पास में ट्रेड कर रहा था। सपोर्ट से वहां से एक रिजेक्शन मिला, तो वहां पे एक अच्छा बाई बन गया मेरे लिए और वो स्टॉक ऊपर की तरफ में मूव करना शुरू हो गया। वहीं इस दूसरे चार्ट में आप देख पा रहे हैं, RSI ओवरबॉट लेवल्स पे पहुंच गई थी और स्टॉक जो था वो अपने रेजिस्टेंस को अप्रोच कर रहा था। रेजिस्टेंस के पास से एक रिजेक्शन आया और स्टॉक ने फिर नीचे मूव करना शुरू हो गया, तो वहां पे एक बहुत ही अच्छी सेल कॉल जनरेट हो गई थी। और दूसरी बात दोस्तों, हमेशा ये याद रखिएगा कि जब भी आप RSI से ट्रेड करते हैं, ओवरबॉट और ओवरसोल्ड पोजीशन को कंसीडर करते हुए, लेवल्स को कंसीडर करते हुए, तो हमेशा याद रखिएगा कि मार्केट्स ट्रेंडिंग हो। अगर ट्रेंडिंग मार्केट होगी तो रिवर्सल आने के चांसेस बहुत अच्छे हो जाते हैं। अगर एक फ्लैट मार्केट है तो फिर मूव फॉल्स सिग्नल आने के बहुत ही ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो हमारे चैनल से जरूर जुड़े और इस वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।